हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक हेयर मास्क जो कि आपके हेयर को स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ऑलिव ऑयल इज रिच इन मॉइस्चर एंड रेड्यूस स्कैल्प इरिटेशंस। हमारे स्कैल्प में जो भी कुछ लोगों को डैंड्रफ होता है, कुछ लोगों को थोड़ी सी खुजली होती है, उसे ये दूर करने में बहुत हेल्प करता है ऑलिव ऑयल, और हमारे हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसे आप जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है कैस्टर ऑयल। तो इसका रिव्यू तो मैं आपको दे चुकी हूँ मेरे पहले वीडियोस पर, आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कैस्टर ऑयल हमारे हेयर को नॉरिश करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे जो भी ड्राई हेयर है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, उसे अच्छे से नॉरिश कर देगा। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। कुछ लोग यक नहीं यूज़ करते, इसीलिए मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। तो इस मास्क में मैंने यक यूज़ किया है, आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाव का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है 100% प्योर कोकोनट ऑयल, आप चाहे तो पैराशूट का कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे डेली हेयर केयर रूटीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है विटामिन ई कैप्सूल्स, ये बहुत अच्छे होते हैं कैप्सूल्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हेयर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये हमारे कॉर्नफ्लोर पाउडर हमारे हेयर को स्मूथनिंग करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है कर्ड, कर्ड हमारे हेयर को नॉरिश करता है और हल्का सा डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। तो यग में भरपूर मात्रा के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे हेयर को अच्छा सा प्रोटीन देते हैं। तो ये था हमारे इस मास्क के इंग्रेडिएंट्स। तो आपको मैं इसे कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी एक एग, आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने यग ऐड कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा कर्ड, आप 4 to 5 स्पून ले सकते हैं अपने लेंथ के, हेयर लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 3 स्पून कर्ड लिया है। एंड नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, जस्ट 1 स्पून मैंने ऐड किया है। एंड नेक्स्ट 1 स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। यहाँ पर मैं कैस्टर ऑयल भी ऐड कर लूंगी। एंड नेक्स्ट कोकोनट ऑयल। इसे भी मैंने ऐड कर लिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे जो हमारे हेयर को स्मूथनिंग करने में हेल्प करता है। मैं जस्ट थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए ताकि कोई भी लंग्स ना रहे।
कैप्सूल ऐड करूँगी, आप चाहे तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्सूल को ऐड कर लिया है। इसे आप अपने हेयर लेंथ पर, पूरे लेंथ पर अप्लाई कीजिएगा। इसे आप अपने पूरे स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वीक में एक बार आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा, आपके हेयर में स्मूथनिंग आएगी, रिबॉन्डिंग आएगा, ये बहुत अच्छा हेयर मास्क है ये। इसे मैं काफी दिनों से अपने हेयर पर अप्लाई कर रही हूँ। इसे आप पूरे हेयर पर, अपने हेयर के स्प्लिट एंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उसे भी दूर करने में हेल्प करता है। आप इसे स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करके अप्लाई कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्मफुल इसमें चीज नहीं है। अच्छे से अपने पूरे हेयर लेंथ पर अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको हेल्दी हेयर के लिए इस मास्क को जरूर अप्लाई करना चाहिए। हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्मूथ और रिबॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। तो ये था आज का मेरा